जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब एक बार वो जयकार लगा दो जो हमारे उत्तर प्रदेश थे, एक लहर बन के निकला और जो पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी की बात है, मैं कितनी खुशियां बांटूं। आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्यारा सा धाम, जहां युगों युगों से इस धरती पे देवी और देवताओं का वास है, त्रिलोकी नाथ परम पिता परमेश्वर जहां स्वयं विराजते हैं, वो है काशी विश्वनाथ की नगरी। आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, हम सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, जब जब काशी में, जब जब मंदिर में दर्शन करने भक्त जाते हैं, जयकार सुनाई देती है, तब भोलेनाथ का डमरू बजता है, बम्बा भोले, बम्बा भोले, और उस पे सोने पे सुहागा, उस पे सोने पे सुहागा बात। एक तो काशी में यानी बनारस, मैं तो बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु दीनानाथ, बनारस में ये रस हमेशा हमेशा के लिए यूं ही बना रहे, यूं ही ये रस बरसता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बोलिए महाकाल राजा की। आज त्रिदेव मंदिर में हम सभी आनंद ले रहे कीर्तन का। अच्छा गोविंद जी, ऐसा नहीं लगता है इसी मंदिर में, जैसे जब त्रिदेव मंदिर की बात हो रही है तो महसूस ऐसे हो रहा है जैसे अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों धाम आज यहां पे सिमट गए हो। जिसका युगों युगों से इंतजार किया, आज के भक्तों ने सपना पूरा हो रहा है। वो एक बार बुलंद आवाज में अयोध्यापति राजा राम का जय घोष करते हुए भजनों की श्रृंखला शुरू करते हैं। एक बार लगाओ जरा अयोध्यापति का जयकार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा। हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गौरी सुते गणराज, कंठ विराजो मां शारदे, मेरी आन बचाओ या देवी सर्वभूतेषु
माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ जोड़ विनती करूं हे बाबा श्याम, खाटू में विराजे हो आप, जहां भव्य मंदिर बना हुआ है। आज बनारस उत्तर प्रदेश के भक्तों ने आपको पुकारा है प्रभु, कृपा बरसाए रखना प्रभु। हाथ जोड़ विनती करो, हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चेत लगाए, दास आ गयो शरण में, राख्यो मारी नीलो घोड़ो लख लगो मोतिया जड़ी किनारे, खाटू का मारा श्याम ने मैं झुक झुक करा प्रणाम। लाल दे है लाली लसी, हे प्रभु श्री बालाजी महाराज, जब जब किसी संकट के आने का अंदेशा होता है, आपका भक्त आपका सेवादार आपको पुकारता है, क्योंकि आप तो अतुलित बल के सागर हो। आज मैं अंजलि द्विवेदी आपको बुला रही हूँ, अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम, तनुज बन कृशानु ज्ञान नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वान राणाम दिशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लाल दे है लाली लसे, अरुधरु लाल लंगो, वज्र दे है दानव दलन, जय 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 कभी सो, जय 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 कभी सो, जय 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 कभी सो। बोलिए बालाजी महाराज की, क्योंकि श्री बालाजी महाराज यानी बजरंग बली हनुमान, जो कि भोले बाबा के रुद्रावतार हैं, सबसे पहले याद क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके नाम से मात्र संकट कटे मिटे सब पीड़ा। अभी मैं जब आई यहाँ पे, मैं आ रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए ऑफिस में आपके बैठी हुई थी, और मैं आप सबके जो कि जोश और बुलंद आवाज में जयकार, बाबा के प्रति अपना प्रेम अपना भाव मैं आप सबका सुन रही थी, और इसी बीच में कलकत्ता से पधारे हमारे बड़े भैया श्याम अग्रवाल जी की प्यारी प्यारी सी बातें सुन रही थी। एक बार हमारे बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां। और ये मैं कहने में कतई संकोच नहीं करती हूँ कि वाकई मेरी शुरुआत हुई है तो भैया के विशेष आशीर्वाद से हुई है। ये मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है श्याम अग्रवाल भैया का, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे बहुत सी ऐसी चीजें बताई जो आज मेरे लिए वो काम आती हैं। भैया ने मेरा परिचय बताया, लेकिन आज भैया आपकी बहन अपना परिचय अपने हिसाब से देना चाहेगी, तो सुनिएगा मेरा परिचय क्या है। जिसमें तमाम नदियां गिरे, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है स्वयं पे कि हिंदू है हम। सत्य सनातन धर्म की जय। और आज मैं देख रही हूं मेरा पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है, एक हो चुका है, एक लहर ऐसी दौड़ी हुई है। एक बार बोलिएगा बालाजी महाराज की। और अब मिलके वो बात बोलेंगे जो इस समय पूरे देश में लहरा रही है, दुनिया में एक एक मैसेज आप सभी ने पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो विदेशी कल्चर को ला रहे थे वो हाय, वो हेलो, हमने उनको बोलना शुरू कर दिया है।
हाय हेलो को छोड़ो, जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये यूपी के भगत हैं और ऊपर से बनारस के, तो एक बार इनकी आवाज भी आनी चाहिए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अगर अब भी सोच रहे हो बोलूं कि ना बोलूं, किसका इंतजार कर रहे हो प्यारे, अब तो बोलना पड़ेगा। हर आंख का सपना साकार हो गया, तैयार अयोध्या में मंदिर का आकार हो गया। हर दिल में छवि राम की आएगी अब नजर, क्योंकि धरती पे साक्षात स्वर्ग का अवतार हो गया। मिलके बोलना, राम सिया राम, हो राम सिया राम। जिस प्रकार 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में एक एक भक्त के दोनों हाथ उठे हुए थे, जो गए होंगे अयोध्या में दर्शन करने, उन्होंने देखा होगा मंदिर के ऊपर शिला पे एक भगवा ध्वज लहरा रहा है। मैं चाहती हूँ एक एक हाथ ऊपर हो जाए, जैसे भगवा ध्वज लहराता है, ठीक उसी प्रकार अपने दोनों हाथ लहराते हुए और प्रेम से राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के कनक पड़ेगी कान से, लेकिन हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर उठा के संकट कटे मिटा सब पीड़ा, सुमिरे हर मन मन दीना, संकट कटे मिटा सब पीड़ा, सुमिरे हर मन मन दीना। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव गिराई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव गिराई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलना पड़ेगा जाग उठा है हिंदू सारा, श्री राम के नारों से, जाग उठा है हिंदू सारा, श्री राम के नारों से, अब ना कोई डरा सकेगा, वीरों के दरबारों से, अब ना कोई डरा सकेगा, वीरों के दरबारों से, हमसे जो टकराएगा वो दूर दूर हो जाएगा, राम राज्य फिर आएगा, ये भगवान लहराएगा, उदासी मन काहे को करे, राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे, ओ काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे, राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को करे। आज वाकई मैं दर्शन करने आज नहीं जा पाई, मैं कल जाऊंगी भोलेनाथ के दर्शन करने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके आज वाकई इस मंदिर जैसा और नहीं पूरे संसार में, पूरे संसार में, पूरे संसार में, इस मंदिर जैसा और नहीं पूरे संसार में, पूरे संसार में,
सेवादार का बस गया है जलवा दिल में तेरे दरबार का, क्या कहना वादा कहना, क्या कहना वादा कहना, बालाजी होते हैं, किसके नाम से खुश होते हैं एक बार जरा बताओ तो, क्यों ना दो मिनट के लिए प्रभु श्री राम को याद करते हैं, उसके बाद सीधा खाटू चलते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल जाती हूं किसी भी कोने में तो पूरे हिंदुस्तान में बताती हूं कि यूपी की लहर अलग है, लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है कि यूपी के भगत राम जी को कैसे मनाते हैं, जरा दिखा दो एक हाथ उठा के ये मुट्ठी बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय देख के निकले। जो ब्राह्मण का पहला काम है पता है, आज मौनी अमावस्या तो बोलना पड़ेगा एक हाथ उठा के ये मुट्ठी बंद करके चारों दिशाओं में ढिंढोरा पीट दो, ये देश है राम का, मिलके राम सिया राम सोशल मीडिया पे स्टेटस कुछ और लगाते थे, लेकिन अब जय श्री राम जय श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आखिर हमारे राम लला आ गए, श्रेय किसको देना चाहेंगे? राम लला आए तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? हाँ,
देखो मैं नहीं बोल रही हूं, किसको देना चाहेंगे? तो जरा तालियां बजा लो हमारे देश के मुखिया के लिए जोरदार। अब आइए उसके दरबार चलते हैं, जिसके दरबार का नशा थोड़ा और जगह से अलग है, जिसके नाम से मात्र गुदगुदी होने लगती है। बोलिए खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारे की सच्ची सरकार की मेरे बाबा श्याम की। एक एक प्रेमी बड़ी दूर दूर से आज बाबा से प्रार्थना करने आया, तो क्यों ना दो लाइनें वो गाऊं जो सबको याद है। ये प्रार्थना दिल की, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा निहार नहीं होगी, पूरा है भरोसा जब तू मेरे साथ है। सावरे जब तू मेरे साथ है। किसको किसको भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दरबार ऐसा है जिसका इस सर से कभी हाथ नहीं उठने वाला। जिसको भरोसा है एक बार बोलो हारे के सहारे की। अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे ये यहाँ पे इतनी भक्तों की संख्या क्यों है, क्या वजह है, क्या काम नहीं है किसी को? कुछ बहुत काम है, लेकिन कोई तो नशा है इसके दरबार, जो हम खुद भी आते हैं और अकेले नहीं चार को हम साथ में लेके आते हैं। जो पूछता है उसको बताया करो यहाँ से यहाँ तक के पहुंचने का राज। खुशियों का दाता है, भाग्य विधाता है, खुशियों का दाता है, भाग्य विधाता है, खुशियों का दाता है, भाग्य विधाता है, जग का है रखवाला, वो जग का है रखवाला। कौन है आपका रखवाला? अरे जरा बता दो बनारस वालों, कौन है आपका रखवाला? वो जग का है रखवाला, वो जग का है रखवाला। सेठों का सेठ है श्याम बखाटू वाला, वो खाटू वाला। वो सेठों का सेठ है श्याम बखाटू वाला, वो खाटू वाला। वो सेठों का सेठ है श्याम बखाटू वाला, वो खाटू वाला। वो सेठों का सेठ है श्याम बखाटू, वो खाटू वाला। भैया वो खुद भी सेठ है और अपने भक्तों को सेठ बना के रखता है, हल्के में नहीं रखता है। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं, हो सकता है आप सभी कहते हो हमेशा बनठन के रहते हो। अरे क्यों नहीं रहेंगे बनठन के? जिसका बाप बनठन के रहता है उसके बच्चे भी बनठन के रहते हैं। बोलिए श्याम प्यारे, आओ जरा मिलके ये तालियां। जिसकी जिसकी रखवाली मेरा बा...
श्याम कलयुग के देव है न्यारे, श्याम कलयुग के देव है न्यारे। आज आप सभी बोलेंगे श्याम, तालियां बनारस वाली सुनाई देनी चाहिए, यूपी वाली एक दो श्याम कलयुग के देव है न्यारे। बोलो श्याम कलयुग के देव है न्यारे, श्याम कलयुग के देव है न्यारे, श्याम कलयुग के देव है न्यारे। बेसहारों के हैं ये सहारे, बेसहारों के सहारे। ओ इनकी चौखट जो छूले सेठ है शाम में बखाटू वाला, बखाटू वाला। ओ सेठों का सेठ है शाम में बखाटू वाला, बखाटू वाला। ओ सेठों का सेठ है शाम में बखाटू वाला, बखाटू वाला। ओ सेठों का सेठ है शाम में बखाटू वाला। बोलिए हारे के सहारे की, शाम प्यारे की। खाटू की गलियों में जाने का मत पालो शौक,
गलियों में जाने का, कसम खा के कहती हूँ रास्ता नहीं है फिर वापस आने का। बोलिए हारे के सहारे की। अच्छा जब बुलावा आए, और आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि आप आज जिस मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, ये त्रिदेव मंदिर है। त्रिदेव जहां तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जहां तीनों देवों का आशीर्वाद है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब बुलावा आ जाए तो मुझे फोन करके बता जरूर देना कि दीदी आप आए थे बनारस में कीर्तन करने, हमने वहीं पे प्रार्थना करी और सुनवाई हो गई, अब पागन के मेले में खाटू जा रहे हैं। बुलावा आए तो बताना जरूर, खाटू बाले सांवरे का, खाटू बाले सांवरे का संदेश आया है, सांवरे ने हमको देखो खाटू बुलाया है। ओ खाटू बाले सांवरे का संदेश आया है, सांवरे ने हमको देखो खाटू बुलाया है। खाटू बाले सांवरे का, कौन कौन चलना चाहता है, जो चलना चाहते हैं बोलना पड़ेगा। खाटू बाले सांवरे का संदेश आया है, सांवरे ने हमको देखो खाटू बुलाया है। खाटू बाले सांवरे का बोलो संदेश आया है, सांवरे ने हमको देखो खाटू बुलाया है। अब जब खाटू जाते हैं तो तैयारियां बहुत सी करनी पड़ती हैं। तैयारियों के बाद एक तैयारी, टिकट खाटू धाम की कटा लीजिए, टिकट खाटू धाम की कटा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए। ओ मन में रूप श्याम का, ओ मन में रूप श्याम का बसा लीजिए, मन में रूप श्याम का बसा लीजिए, फेरा खाटू धाम का, ओ फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए। जो जो नहीं गया मेरी बात को गांठ बांध लेना, जिस जिसने भी हाथ उठाया तैयारी कर लो, बुलावा आने वाला है इसके दरबार का, खाटू ये बुलाने वाला है, तैयारी कर लो। टिकट खाटू धाम का कटा लीजिए, हो टिकट खाटू धाम का कटा लीजिए, फेरा खाटू धाम का। क्या बात है, कौन कौन चल रहा है, सुनवाई पक्की है होनी, आओ जरा मिलके मीठी मीठी तालियों के साथ। Come on.
किया है। सुना है? सुना है? जिसने नहीं सुना वो भी सुनना, और खाटू का फेरा लगाते लगाते गाते हुए जाना, प्रेमियों को बोलते हुए जाना, प्यारे तेरा खाटू धाम का लगा लीजिए। हे बाबा श्याम, जितने प्रेमी आज आपसे प्रार्थना करने आए, यहाँ के तो आए ही हैं, बड़ी दूर दूर से भी प्रेमी आए, इन सब पे अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, क्योंकि इन्होंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है। जरा बजाओ धन्यवाद की तालियां बाबा के दरबार में। रिंगस से निशान उठाते हैं और चल पड़ते हैं खाटू के दरबार। बोलो हारे के हारे की जय। आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है, आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है। ऐसे नहीं, शारीरिक रूप से ना सही, मानसिक रूप से महसूस करो हम खाटू में हैं, खाटू में हैं, रिंगस में हैं, और तोरण द्वार उठा के औरों को भी बोल रहे भैया खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की। आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है, आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है। थोड़ा चल के सांवरे को करना प्रणाम है, थोड़ा चल के बनारस के भगत है, कहां के बनारस के प्रेमी हैं और खाटू जा रहे हैं, पूरा ये मेला लेके भक्तों का रेला लेके। अरे बताओ तो कौन कौन चला है यहां से, जिसकी आवाज तेज आएगी मुझे लगेगा कि वो रिंगस में है, और जिसका जिसका वॉल्यूम कम आएगा वो तो बनारस में ही रह गया। बोलो हारे के सहारे। आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है, आ गया है रिंगस भक्तों आगे खाटू धाम है। घोड़ा चल के सांवरे को करना प्रणाम है, घोड़ा चल के सांवरे को करना हाथ उठा के। नजारा दिखेगा जहां टोली में भी लोग दिखेंगे, अकेला भी दिखेगा। बोलो 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 जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। जा रहा है खाटू देखो भक्तों का रेला है, जा रहा है खाटू देखो भक्तों का रेला है। कोई संग दोस्तों के कोई अकेला है, कोई
जयकारा श्याम का लगा लीजिए, फेरा खाटू धाम 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 का लगा लीजिए। हो जरा एक हाथ उठे खाटू नरेश के नाम का और दूसरा राजा राम के नाम का, दोनों हाथ उड़ा के तालियां बजा के बता सकता है क्या बात है, क्या बात है। बाबूजी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बनारस के भक्तों की यही तो पहचान है, जरा तालियां भी सुना दो भैया बनारस वाली। अब जब रिंगस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बनारस के प्रेमी अकेले नहीं जाते हैं, टोली साथ लेके जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति वो होता है जो पहली बार जा रहा होता है, वो पूछता है अरे भैया कितनी दूर रह गया है, तभी बताते हैं भगत आधा रास्ता कट गया है, आधा रास्ता बाकी है, आधा रास्ता बाकी है, आधा रास्ता बाकी है। आप सब बताएंगे औरों को आधा रास्ता कट गया है, आधा रास्ता बाकी है, कट गया है, आधा रास्ता बाकी है। अरे थोड़ी देर ठहरो पीछे, थोड़ी देर ठहरो पीछे, छूटा अपना साथी है, थोड़ी देर ठहरो पीछे, छूटा अपना साथी है, थोड़ी देर ठहरो पीछे, छूटा अपना साथी है, थोड़ी देर। पीछे साथी छूट जाता है, अब किया क्या जाए, तब तक साइड में थोड़ा रुक जाते हैं, सर्दी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्या करना चाहिए। कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, ओ कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, ओ कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, ओ कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए। ये बनारस वाले भगत चाय जरा पीते हैं लगता है, कुल्हड़ की, कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए, हो कुल्हड़ की चाय का मजा लीजिए। चाय गरम बहुत है, चाय थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मेरा खाटू धाम का। देख रही हूँ एक प्रेमी को बहुत देर से जो चुपचाप बैठा है, बाबा से मन ही मन बात कर रहा है। प्यारे इसकी चौखट पे आ गया तो उदासी अब किस बात की, भक्त क्यों उदास है तू, बैठा क्यों निराश है, तेरे हर दुखों की दवा सांवरे के पास
पास है, सांवरे के पास है, चल के खाटू धाम सर को, चल के खाटू धाम सर को झुका लीजिए, फेरा खाटू धाम का, फेरा खाटू धाम का लगा लीजिए, बोलिए खाटू। अनुज हल्का सा इसमें अप साउंड कर दो, हल्का सा, हल्का अनुज की, श्याम प्यारे की जय, लखदातार की जय, एक बार आप सब भी बोल दो, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। हो 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 हो, जो प्रेमी यहाँ पे आए हैं, कीर्तन में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये उनके लिए लाइनें हैं, आप में और उनमें फर्क क्या है, जो घरों में इस समय सोने की तैयारी में लग गए हैं। हाँ, यहाँ आया हुआ एक एक व्यक्ति का अगर देखा जाए, यहाँ पे आया हुआ कोई साधारण नहीं है, साधारण वो है जो इस समय अपने घरों में सोने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ आया हुआ तो इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज करा चुका है, ये वो है श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हमें दुनिया की, तेरे नाम के पागल हमें दुनिया की। कुछ प्रेमी जो आए हैं ना, दो कैटेगरी के आए हैं, एक तो बड़े मगन ऐसे ऐसे, लेकिन दूसरे जब से आए तब से। सत्यनारायण भगवान की जैसे कथा सुन रहे हैं, हमें वो भी आती है, कहो तो सुनो, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय। अरे इसके दरबार तो वो प्रेमी आता है भैया जो वाकई पागल होता है, जो दीवाना होता है, इसके दरबार समझदारों का कोई काम नहीं होता है, जो आता है वो वाकई में पागल होता है, दुनिया से कह के अंत में इसके दरबार आता है, जमाने की नहीं चिंता जमाना कैसे चलता है, जमाने की नहीं चिंता जमाना कैसे चलता है, मुझे चिंता है बस उसकी जमाना जिससे चलता है। तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। एक बार बोल दो बनारस के पागलों, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। निशान कैसे लहराता है, निशान कैसे लहराता है, निशान कैसे लहराता है, जरा दोनों हाथ उठा के लहरा के,
की मस्ती चढ़ती जाए ओ सबकी खुशियाँ और भी बढ़ती जाए ओ आज के बाद सबकी खुशियाँ और भी बढ़ती जाए तुमको पाके इस जीवन की तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं ओ बाबा तेरे नाम के हमें दुनिया की परवाह नहीं तेरे नाम के बादल है हमें दुनिया की परवाह नहीं। एक छोटा सा निवेदन है सबसे यहाँ सबसे पहले तो ये बताओ कितने पागल आए हैं भाई साहब आगरा के पागल खाने में अगर कोई चला गया उसके ठीक होने की उम्मीद है लेकिन जो खाटू चला गया उसकी उम्मीद छोड़ देना लेकिन ये बीमारी और बढ़ती जाए तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है। मुझे अभी 2 से 3 दिन पहले किसी का फोन आया बोले अंजलि जी 14 तारीख आने वाली है कितनी 14। मैंने कहा क्यों उस दिन क्या है मुझे तो पता था क्या है बोले पता नहीं है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता आने वाली 14 फरवरी जिसको कुछ लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे जो पश्चिमी देशों में मनाया जाता है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश में लाने की कोशिश कर रहे अगर आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा दिखे उनको बोलना ये जिनका त्योहार है वो मनाए हम तो हमारा त्योहार मनाएंगे कौन सा बसंत पंचमी हम तो हमारा त्योहार मनाएंगे सरस्वती माता की पूजा करेंगे वो हमारा विदेशी त्योहार नहीं है हमें तो हमारा त्योहार मनाना है और अगर कोई आपको बोले तो उनको उल्टा बोलना बसंत पंचमी की भैया बहुत बहुत बधाई हो तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह नहीं खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है खाटू की गलियों की कुछ बात निराली है एक मैं निराली है कुछ बात निराली है कौन कौन चलेगा खाटू उन कलियों का नजारा देखने के लिए यदि पता नहीं पता तो पता मैं बताती हूँ हो मेरे सावरे को बंगलो खाटू में 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 मेरे सावरे की पोथी Hare Krishna!
जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, हो जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, हो जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, हो सारे कहते हैं रमाद हो गई, ओ बाबा सारे कहते हैं रमाद हो गई, हो सारे कहते हैं रमाद हो गई, हो इसी का है क्या? वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा है, वो मेरा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, वो मेरो सांवरो धर्म को बापू है, मेरो सांवरो धर्म को बापू है, भान श्याम जी को दिले राखो है, खुजली हो रही है, पैरों में खुजली, खुजली होने का मतलब समझते हो? हाँ, पैरों में खुजली हो रही है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कोई मुझे बोले तब मैं खड़े हूं, या कोई बोलने वाला नहीं है, या कोई बोलने वाला नहीं है, मन अगर करे जो करने का वो कर डाला करो मेरी तरह, मेरा बाबा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगा, ओ मेरा बाबा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगा, ओ मेरा बाबा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगा, ओ मेरा बाबा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगा, घुंघरू बांध के जोर जोर से, 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 ओ मैं तो नाचूंगा, नाचूंगा, नाचूंगा।
श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। प्रेमियों का जोश देख के मुझे पंजाब की याद आ गई। कहाँ की? पंजाब की। ऐसे ही भक्तों का रैला आया हुआ था, तभी मंडल के एक सदस्य आए, बोले दीदी किसी का मोबाइल चोरी हो गया। बोले सूचना दे दो, मैं बोलने जा रही थी। तभी दूसरे आ गए, बोले दीदी साथ में एक और बात बोल देना, किसी का पर्स चोरी हो गया। मैं बोलने जा रही थी दोनों सूचनाएं, लेकिन तभी गोविंद जी मंडल के प्रधान आए। ठीक आपकी तरह, इधर आओ, इधर आओ। मंडल के प्रधान आए, मैंने कहा तुम्हारा क्या चोरी हो गया? बोले दीदी पूछो ही मत। मैंने कहा बताओ तो सही। बोले क्या ही बताऊं, दिल पे हाथ रखा, दिल 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 काशीधाम से। क्या बात है, एक बार पायल जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत सुंदर। यही तो है अपनेपन का प्यार, अपनेपन का प्रेम। जोरदार तालियां। बोला खाटू नरेश की। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है उसके अंदर। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर। जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। निर्धन भी राजा हो गया। काशी में
तक कोई भी भक्त खड़ा नहीं रहता है। आप सबकी तालियां बजेंगी और इधर से डमरू बजेगा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जिसे जहां जगह मिले वो वहीं बैठ जाए अपने अपने। सभी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, विराजो खड़े क्यों, बैठो जी, बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, और देखिए सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, और देखिए सेल्फी अभी ना ले, सेल्फी के लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा, इसलिए आराम से बैठ जाएं। और बाबा भोलेनाथ, बाबा श्याम और प्रभु श्री राम जी के बड़े प्यारे प्यारे से भजन सुने। सी, सी, माइनर प्रेम से बोलिएगा, खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़े भैया आप भी बैठ जाओ, सभी बैठ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रेम से बोलिएगा एक बार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। एक बार पड़ोसी को भी बोल दो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ भैया ले लो फोटो, ले लो, ले लो। नहीं अच्छा लगता है, आज बाबा की कृपा से मैं कुछ हूं, आप सबके आशीर्वाद से मैं कुछ हूँ, खुशी होती है आज जो कुछ भी हूँ वो आप सबके प्यार की बदौलत हो, और इसीलिए तो आप अपना प्रेम लुटाते हो मुझ पे, मोबाइल लेके कोई फोटो लेता है, कोई अटूट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़ी खुशी होती है सच में। ये मेरा परिवार मेरी दौलत है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है ये मेरा परिवार, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आप सबकी दुआओं का असर है, सब आप सबके प्रेम का असर है। बोलिए महाकाल राजा की जय हो, बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। ऐसा है हार का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा, जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा, खाटू में दोबारा उसे आना पड़ेगा, खाटू में दोबारा। मैं चाहती हूँ मेरे साथ में ये भजन सब गाएं, कौन कौन गाएगा, उसे आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, जाओ खूब खूब जाओ इसके दरबार। और ये भी सत्य है जो हार के जाता है वो निश्चित रूप से जीत के ही वापस आता है, जीत के वापस आता है, लेकिन उस जीत का
खुद पे कभी घमंड मत करना। अरे हम तो ये बन गए, हम तो ये बन गए, क्योंकि जिसने घमंड किया, घमंड भगवान का भोजन है। जिसने घमंड कर लिया वो कहीं का नहीं रहा। बाबा ने हमें आपको सब कुछ दिया, ये प्रेम, ये दुलार जो एक दूसरे के प्रति है, वो मनी तो आज है कल नहीं है, लेकिन सच्ची पूंजी क्या है? जिस गली में निकल गए, जिस राह से निकल गए, सामने वाले को आपकी आइडेंटिटी बताने की जरूरत ना पड़े, आप कौन हो, आप कौन हो, जो आपको देखे, आपको देख के समझ जाए पक्का श्याम प्रेमी है। भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आइएगा प्रेम से मिलके, सभी मिलके बात करते हैं बाबा से। ऐसा है हारे का सहारा, सबसे ही प्यारा ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा। जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, और मुझसे प्रश्न भी करते हैं क्यों आना पड़ेगा अंजलि जी, खाटू दोबारा क्यों आना पड़ेगा। अब यदि कोई मुझसे प्रश्न करता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, यदि कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूं। उसको बताते हैं, उत्तर देते हैं, इस खाटू में वो जादू है, इस खाटू में वो जादू है, बिन डोर के जा आता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं, खाटू में हो जादू है। इस खाटू में वो जादू है, बिन डोर के जाता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं। जरा बताओ कौन कौन आया है बाबा के दरबार में, ये तालियां बजा के। एक दो तीन बजाओ।
काम करना जो पड़ोसी पूछता था अक्सर, हर महीने चल देता, हर महीने चल देता, कोई काम नहीं है, हर महीने गाड़ी तैयार हुई, लगेज रखा गया, बोले कहाँ, वही, फिर से उसको बोलना, तू पूछ रहा था ना यहां से यहां तक का राज क्या है, मेरा खाटू वाला है, कोई और नहीं है, ऐसा है, ऐसा है हारे का सहारा, लगता है दम तेरी प्यारा, जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। भैया एक चलन चला है जिसको कहते हैं ट्रेंड, ट्रेंड क्या चला, यहां पे भी वो होगा ट्रेंड पक्का, क्योंकि ये भी एक पर्यटक स्थल है, एक धाम है, अक्सर यहां लोग आते होंगे, अपने दोस्तों को लिया, सेल्फी मोड मोबाइल किया, दो उंगलियां दिखाई, फोटो क्लिक कर ली, करते होंगे पक्का। इस बार जब खाटू जाना कम से कम चार को पहली बार लेके जाना, और तोरण द्वार पे एक मिनट रुकना, दंडवत प्रणाम करना, और उसके बाद उनको बुलाना, इधर आओ, सेल्फी मोड मोबाइल करना, और उनको बोलना उंगलियां दिखाओ कितनी, दो, उनको बोलना तू आ तो गया है लेकिन तुझे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, धीरज देता है सदा भक्तों को दिन रात, भक्तों को दिन रात, भक्तों को दिन रात, ऐसा देव तू जा करे जो सबसे बात, भर देता है पल में दामन, भर देता है पल में दामन, करके एक इशारा छोड़ेंगे ना हम, छोड़ेंगे ना हम, ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम लगे छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम लगे, ऐसा है हारे का सहारा, लगता है सबसे ही प्यारा, जिसने इसे पुकारा हो, जिसने इसे पुकारा उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, वो भर दे
बोलिए सांवरिया सरकार की, सच्चे दरबार की, बोलो भोले बाबा की। अयोध्या पति राजा रामचंद्र की जय। डी कर लो जय। बस करूं, बस करूं, बस करूं। हर हर महादेव। कंबो जरूर गाएंगे, चलते चलते सभी को झुमाएंगे, है ना। अभी बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मानना पड़ेगा, यूपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी तो काशी के वासी हैं, ये भी कहां मानने वाले हैं। वैसे देखो बाबू जी ने बताया, वैसे बनारस वैसे बरेली। लो क्या अब गाओ। बड़ी खुशी होती है जब हम यूपी से बाहर जाते हैं। मैं मंच पे पहुंचती हूँ, पता नहीं भक्तों में क्या जोश आ जाता है कि मुझे देख के मात्र बोलने लगते हैं, चारों तरफ से आवाज आने लगती है, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत गर्व होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। बहुत गर्व होता है ये देख के कि हमारे उत्तर प्रदेश में काशी है, हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा है। आपको पता, भगवान ने जब सृष्टि के कल्याण के लिए अवतार लिया तो उन्होंने दुनिया में देश चुना भारत। मेरी बात को गौर करना, भगवान ने जब अवतार लिया सृष्टि के कल्याण के लिए तो उन्होंने दुनिया में देश चुना भारत और प्रदेश चुना उत्तर प्रदेश, जहां सतयुग में देखा जाए भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं काशी में बैठे हुए। त्रेता युग में अयोध्या में राजा राम जहां बैठे हुए चारों दिशाओं में मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और वही देखा जाए द्वापर में वृंदावन धाम में अवतार लिया श्री कृष्ण भगवान ने, बाके बिहारी लाल की। और रही बात कलयुग की, तो कलयुग में भी ग्रंथों में ये सुनी हुई बात नहीं बता रही हूं, ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि कलयुग में भी जब अवतार लिया जाएगा कल की अवतार, तो वो भी उत्तर प्रदेश संबल नगरी में होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। लेकिन अयोध्या के साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत अन्याय। काशी के साथ जिस प्रकार अन्याय हुआ, मथुरा के साथ अन्याय हुआ। और जब अन्याय की बात आती है तो याद आता है वो समय 5000 वर्ष पूर्व का, जब पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। भगवान कृष्ण ने महाभारत ना हो इसके लिए उन्होंने सुलह करने की सोची कौरवों के साथ। वो खुद गए, कौरवों से बात करी, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। मात्र 5 ग्राम जगह मांगी थी लेकिन नहीं माने। और फिर महाभारत हुई, उस समय भी अन्याय किया और वही अब हुआ। अयोध्या के साथ अन्याय किया,
तो 22 जनवरी को न्याय भी भारतवासियों ने होते हुए देख लिया। जय श्री राम। अब क्योंकि ये तीनों ही जगह अयोध्या, काशी और मथुरा, ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये अवतरण भूमि है भगवान की, ये उनकी जगह है। जब अयोध्या में राजा राम आए तो पूरे देश ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उत्सव देखा, उत्सव का माहौल था। तो भैया फिर नंदी भैया, नंदी बाबा कहां मानने वाले, वो भी भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ को बोले प्रभु अब तो डमरू बजा दो, रातों रात बैरिकेटरी तुड़वा दिए। और ज्ञान व्यापी में पूजा शुरू हो गई। तो भैया कृष्ण कन्हैया लाल फिर काहे का इंतजार करे, अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। ये हुआ किस लिए, कैसे हुआ? एक इंटरव्यू में एक न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, अंजलि जी ये कार्य अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा बिल्कुल, ये काम 70 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 80 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब इसलिए हुआ क्योंकि त्रिलोकी नाथ ने, त्रिदेव ने गुजरात से मोदी जी को भेजा। गोरखनाथ गोरखपुर से योगी जी को भेजा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक एक सनातनी को जगा दिया। और जब हिंदू जाग गया तो निश्चित रूप से अयोध्या भी वापस आ गई, अयोध्या भी, काशी भी, और आने वाले दिनों में मथुरा का भी दृश्य सब देखेंगे। जय श्री राम। तो एक बार इन दोनों संतों के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है काशी में जितने भी भक्त बैठे हैं ये भी ये चीज समझ रहे होंगे, जो हमारे मंदिरों पे ध्यान देगा, जो हमारे देश पे ध्यान देगा, भारत देश की जनता उसके साथ चल पड़ेगी। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है। सब बांध लो बेटी को, सब बांध लो बेटी को, पिक्चर तो बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। विदाउट म्यूजिक गाऊंगी और yes. सबको, जिससे कि एक एक शब्द समझ में आए, मेरे साथ में सब तालियों के साथ में और हल्का हल्का बिल्कुल बजेगा। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो अभी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है। अवधपुरी में सरयू जी शान से बहती है, ओ शान से बहती है, शान से बहती है। कब बहूंगी मैं कल कल यमुना जी कहती है, जब भी दिल्ली जाते हैं तो विशेष रूप से वहां बोल के आते हैं। हमारे देश में जैसे गंगा मैया स्वच्छ है, सरयू मैया स्वच्छ है, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान का एक एक सनातनी चाहता है हमारे देश की हर नदी स्वच्छ हो, उसी प्रकार
अबधपुरी में सरयू जी शान से बहती है, शान से बहती है। कब बहूंगी मैं कल कल यमुना जी कहती है, यमुना जी कहती है। अयोध्या सी मथुरा सजे, अयोध्या सी मथुरा सजे, सभी को आसी ये रहती है। अयोध्या सी मथुरा सजे, सभी को आसी ये रहती है। बस सूरज अभी उगा, बस सूरज अभी उगा, बहुत उजाला बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जो इस समय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, किसको किसको देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। अब नीचे करो, मुझे एक बात याद आ गई आज, अभी जब अयोध्या में मुझे बुलाया गया सरयू तट पे, बहुत से वहां पे न्यूज रिपोर्टर जो कि रोज आना न्यूज ले रहे थे, उसी में मुझे बुलाया गया। तो एक थे पप्पू की श्रेणी में, तो मुझसे बोले अंजलि जी जब से मोदी जी आए हैं देश में, देश 500 वर्ष पीछे चला गया। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ। मैंने कहा चिंता मत करो, योगी जी को आने दो, बिल्कुल सतयुग ही आ जाएगा। ये तो ये बात सही बोला, आगामी पीढ़ी को मुंह भी तो दिखाना है, मुंह भी तो दिखाना है, मुंह भी तो दिखाना है। धरती माता भी कहे धर्मी सबसे पुराना है, धर्मी सबसे पुराना है, धर्मी सबसे पुराना है। अरे लोग क्या कहते हैं उनकी छोड़ो, मैं तो एक बात जानती हूँ, मोदी जी गारंटी निभा गए, मोदी जी गारंटी निभा गए, अयोध्या में हमारे राम आ गए। लोग तो बातें बना गए, लेकिन मोदी जी भी कीचड़ में कमल खिला गए। झूम रहे हैं पावन गूंज को, झूम रहे हैं पावन गूंज को, सुनकर पृथ्वी वासी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुनकर पृथ्वी वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। चलते चलते सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, और उधर से डमरू बजेगा, आप सब मिलके झूमेंगे, बम बम बोल, बम बम बोल, ओ बम बम बोल, ओ बम बम बोल, झूम रहे हैं, ओ हो हो हो, झूम रहे हैं पावन गूंज को सुनकर पृथ्वी वासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। विश्वनाथ का डमरू बाजे, विश्वनाथ का डमरू बाजे, नाचे मस्त सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी।
देवों का है फेरा, देवों का है फेरा, देवों का है फेरा। संतों की नगरी है यहाँ पर, तुलसी का है डेरा, तुलसी का है डेरा, तुलसी का है डेरा। द्वादश ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विश्वनाथ अविनाशी, विश्वनाथ अविनाशी, विश्वनाथ अविनाशी। माता पार्वती भी यहाँ है, शक्तिपीठ है काशी, शक्तिपीठ है काशी, शक्तिपीठ है काशी। महामंत्र शिव का बदल दे, महामंत्र शिव का बदल दे, भक्त का ग्रह और राशि। ओ बम 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 बम, ओ बम बम, ओ बम बम, बम 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 बम, होले बम बम, होले बम बम, होले। एक दो तीन चार, होले तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार, होले तेरी जय जयकार। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुनकर पृथ्वी वासी। हो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, हो बम बम बोल करूंगी। तो आपकी ये बम बम की आवाज यहां से ले जाके सीधा महाकाल में महाकाल राजा तक पहुंचाऊंगी, लेकिन वो आवाज बोलनी पड़ेगी, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। वो बम बम भोल रहा है काशी, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है। विश्वनाथ का डमरू बाजे, विश्वनाथ का डमरू बाजे, ओ विश्वनाथ का डमरू बाजे, विश्वनाथ का डमरू बाजे। डमरू डमरू जब बजता है तो कोई भी सन्यासी खड़ा नहीं रहता है, झूम के Oh,
जैसे वो विदेशी पांच पांच फीट की जंप लगाते हैं, हम किसी से कम नहीं है। जिस प्रकार वो विदेशी जंप लगा के झूमते हैं, वैसे ही पता लगना चाहिए भोलेनाथ के भगत किसी से कम नहीं है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है काशी। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। बोली काशी के कोतवाल की जय। बोलिए महाकाल राजा की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। खाटू नरेश की जय। अयोध्या पति राजा राम चंद्र की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू